हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। सो आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक का माइलेज टेस्ट करने विद एग्जॉस्ट। सो देखते हैं एग्जॉस्ट के साथ अपनी बाइक कितना माइलेज देती है। तो पिछली बार मैंने जब चेक किया था तब मैंने विदाउट एग्जॉस्ट चेक किया था तब 50 प्लस दे रही थी। सो अभी देखते हैं विथ एग्जॉस्ट कितना देती है। सो अभी टाइम हो रहा है 3:08। सो अभी चलते हैं अपन हाईवे पे। सो इसमें थोड़ा सा पेट्रोल बचा हुआ है सो पहले वो खाली करते हैं और हम ये भी चेक करेंगे कि जो बाइक एवरेज बताती है वो एक्यूरेट है कि नहीं। जो हम माइलेज निकालेंगे और जो बाइक बताती है वो मैच करके देखेंगे कि वो एक्यूरेट रहता है या नहीं। सो सबसे पहले हम बाइक का पेट्रोल खाली करेंगे। तो हम जा रहे हैं खंडाला घाट की तरफ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है और रोड भी बहुत अच्छे हैं तो वहाँ से अच्छे से निकलेगा माइलेज। तो हम स्पीड रखेंगे 70-90। तो देखेंगे कि इस स्पीड में कितना एवरेज निकलता है। सो मेरे हिसाब से एग्जॉस्ट के साथ 35 प्लस देना चाहिए माइलेज। सो देखते हैं अपन कितना माइलेज देती है। सो अभी तो पेट्रोल ख़त्म होने का ही है। 5 किलोमीटर हम चल चुके हैं फिर भी पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ अब तक। सो पहले इसका पेट्रोल ख़त्म करते हैं। सो अभी बाइक थोड़ी थोड़ी पेट्रोल छोड़ रही है। सो देखते हैं कहाँ पर गाड़ी बंद होती है। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:24 और अभी हम खंडाला घाट के बीच में हैं। सो अराउंड 10 किलोमीटर बाइक चल चुकी है और अभी तक बाइक का पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ। तो सबसे दिक्कत की बात यही होती है कि पेट्रोल खाली करना बाइक का। मुझे लगा जल्दी हो जाएगा पर अब तक पेट्रोल खाली नहीं हुआ है। और आप प्लीज़ ऐसा ट्राई मत कीजिए क्योंकि ये बाइक फ्यूल इजेक्टर होती है तो अगर बार बार खाली करने से फ्यूल इजेक्टर ख़राब हो सकता है। तो बाइक में मिनिमम 3 लीटर पेट्रोल होना चाहिए। तो बाइक का अभी पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। सो बाइक पूरी ड्राई हो चुकी है। सो यहाँ पे बाइक बंद हो चुकी है। सो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं चालू करके। सो चालू हो गई है बाइक और ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। सो अभी देखते हैं कितनी दूर तक बाइक चलेगी। सो यहाँ पे फिर से बाइक पेट्रोल छोड़ रही है और यहाँ पे गाड़ी बंद हो गई है। सो सेकंड अटेम्प्ट ट्राई करके देखते हैं। नहीं बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है और मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि फ्यूल इजेक्टर पर इम्पैक्ट आ सकता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं बाइक का पेट्रोल खाली हो चुका है और अब हम इसमें 1/2 लीटर पेट्रोल डालेंगे क्योंकि मैं 1 लीटर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी इसलिए 1/2 लीटर पेट्रोल डालेंगे और माइलेज टेस्ट करेंगे। तो ठीक है 1/2 लीटर पेट्रोल डालते हैं हम इसमें। ओके सो अभी हम इसमें डालते हैं 1/2 लीटर पेट्रोल। सो बॉटल का वहाँ हम साथ ले जाएंगे। सो
सो अभी मीटर को रिसेट करते हैं। सो मैं ट्रिप टू रिसेट कर रहा हूँ और बाइक का जो एवरेज है वो रिसेट करते हैं और देखते हैं कि बाइक क्या एवरेज दिखाती है और हमारा क्या एवरेज निकलता है। ओके सो चलते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग 35 प्लस एवरेज आना चाहिए क्योंकि विदाउट एग्जॉस्ट मुझे 50 प्लस देती थी और एग्जॉस्ट के साथ 5 या 6 एवरेज का डिक्रीज हुआ है। सो ज़्यादा कम तो नहीं आनी चाहिए। सो देखते हैं अभी कितना एवरेज दिखाती है और कितना एवरेज हमें मिलता है। स्पीड में 70-80 की ही रख रहा हूँ। सो इस स्पीड में कितना एवरेज देती है वो हम देखेंगे। सो इस बाइक की मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी, पेट्रोल ख़त्म होने के बाद जब मैंने पेट्रोल डाला तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही स्टार्ट हो गई। तो ये फ़ायदा रहता है फ्यूल इंजेक्टर का। सो कुछ लोग टैंक फुल करते हैं और बाइक को थोड़ी डिस्टेंस में चलाते हैं और फिर से पेट्रोल फिल करते हैं और उससे एवरेज निकालते हैं। सो उससे उतना एक्यूरेट एवरेज नहीं निकलता है। सो ये तरीका सबसे बेस्ट है एवरेज निकालने का, पर मैं ये तरीका आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इससे फ्यूल इजेक्टर जा सकता है। एक दो बार करने से कुछ नहीं होता, पर बार बार अगर ऐसा कर रहे हैं तो फ्यूल इजेक्टर पर इम्पैक्ट आ सकता है। मैं चाहता था तो 1 लीटर डाल के भी चेक कर सकता था, पर 1 लीटर से वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए हमने 0.5 लीटर डाला है और जो भी एवरेज निकलेगा उसका हम डबल कर देंगे। सो अभी 6 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और मैं स्पीड रख रहा हूँ 70। सो नॉर्मल स्पीड पे ही गाड़ी चलाऊँगा 70-80। अगर आपको हाई स्पीड माइलेज चाहिए तो उसकी भी वीडियो मैं बना दूंगा, बस आप मुझे कमेंट कर बताओ। सो यहाँ के रोड इतने अच्छे हैं कि मेरा दिल कर रहा है रील बनाने का, पर अभी हम वीडियो बना रहे हैं। सो रील से याद आया, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, जाओ और फॉलो करो। सो हर वीडियो के नए नए अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे देता रहता हूँ। सो कुछ दिनों में बाइक की मॉडिफिकेशन वीडियो आने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मैं अपनी बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन करूं। आप जो बोलोगे मैं वो मॉडिफिकेशन अपनी बाइक में करूंगा। और अगर आपने अभी तक अंडरग्लो लाइट वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन में मैं वीडियो डाल दूंगा, सो चेकआउट कर लो। सो अभी 10 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। सो यहाँ से यू टर्न लेंगे, वापस जाएंगे क्योंकि आगे जाने का कोई मतलब नहीं। ऑलराइट गाइस, सो अब तक बाइक 16 किलोमीटर क्रॉस कर चुकी है। सो मतलब 32 का एवरेज अब तक क्रॉस कर चुकी है बाइक। सो देखते हैं और कितनी चल पाती है बाइक। सो अभी तक तो कुछ सिग्नल मिला नहीं है पेट्रोल ख़त्म होने का। ऑलराइट गाइस, सो 20 किलोमीटर बाइक चल चुकी है, मतलब 40 का एवरेज हमें मिल चुका है। फिर भी अभी भी बाइक चल ही रही है, पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ है अब तक। सो देखते हैं और कितनी दूर तक बाइक चल पाती है। 21 किलोमीटर। सो अभी बाइक ने हल्का हल्का झटका देना शुरू कर दिया है। 21 मतलब 42। सो यार बुरा नहीं है 42 का एवरेज, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि मुझे विद एग्जॉस्ट 42 का एवरेज दे रही है। मैं कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था 35 का और 42 का मिल रहा है।
फिर भी बाइक चल ही रही है, ख़त्म नहीं हुआ है अब तक पेट्रोल। फिलहाल बाइक ने थोड़ा सा झटका दिया है, हल्का हल्का, फिर भी बाइक चल रही है। तो फिर से झटके चालू हुए बाइक को, फिर भी चल रही है। तो स्पीड 75 की है। भाई इसका पेट्रोल तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, 24.4। क्या 50 टच करेगी क्या? 25.2, मतलब 50 का एवरेज मिल चुका है, फिर भी बाइक बंद नहीं हुई अब तक। सो अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है बाइक का झटका ज़्यादा। तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है बाइक का पेट्रोल। सो एक अटेम्प्ट ट्राई करके देखते हैं। सो स्टार्ट हो गई है। सो अभी देखते हैं कितने किलोमीटर चलती है। भाई इसका पेट्रोल ख़त्म ही नहीं हो रहा है, सच बता रहा हूँ, इस बाइक का पेट्रोल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बाइक झटके दिए दे रही है, अभी आपने देखा बाइक बंद हो चुकी थी, ये देखिए झटके दे रही है। सो लगता है अभी बाइक बंद हो जाएगी। सो बाइक बंद हो चुकी है। सो देखते हैं कितना एवरेज निकला है। सो ऐसे तो आपको नहीं दिखेगा, मैं फ़ोन से आपको दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे बाइक चल चुकी है 29.2 किलोमीटर, मतलब हमें एवरेज मिला है 58 का। और बाइक ने जो एवरेज बताया है वो हम देखते हैं। तो देखिए 58, यहाँ पे 58 शो कर रही है बाइक। तो ये एवरेज जो बाइक शो कर रही है वो एक्यूरेट है एकदम। तो हमने भी एवरेज 58 का ही निकाला है और बाइक भी 58 का ही शो कर रही है, तो देख सकते हैं आप। सो ये था वीडियो यामाहा MT-15 BS6 के माइलेज का। सो काफ़ी अच्छा माइलेज दिया, वेल डन यामाहा। सो मुझे यहाँ पे 58 का एवरेज मिला है विथ एग्जॉस्ट। सो आप देख सकते हैं मेरा एक्राफिक का एग्जॉस्ट लगा है बाइक में। सो एग्जॉस्ट के साथ मुझे 58 का माइलेज मिला है। सो काफ़ी अच्छा माइलेज है मेरे लिए। ओके सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।